ये वीडियो एलियन स्टडी स्कूल का है जो कि मुंबई के मलाड में है। और आज मेरा 56 डे था एलियन स्टडी स्कूल में। आज हम सुपर एक्साइटेड थे क्योंकि आज हमें हेमंत सर द्वारा टैटू मशीन मिलने वाले थे। तो इस खुशी में बिल्कुल मैं बैठा हुआ था कि मेरा नंबर आने वाला है। और यहाँ पर आप जो ब्लू बॉक्स में देख रहे हो, जो चेयर पर रखा हुआ है, वो सबका किट रखा हुआ है। इन फ्यूचर अगर हम अपना स्टूडियो खोलते हैं तो हमें कितना हाइजीन का ध्यान रखना है, इस बात का हमें हैबिट डालने की यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही थी। तो हमारा ये डेली का रूटीन बन गया था कि जब भी टैटू करो तो उससे पहले हम क्लिंग रैप का यूज़ करो, उसके साथ सैनिटाइज़र का, और अपने टेबल को प्रॉपरली क्लीन करो, उसके बाद ही टैटू करो, क्योंकि हाइजीन हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए और हमें हाइजीन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को सलाह दी जा रही थी। तो हम सभी बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि आज कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि पूरे 2 महीने के बाद हमें आज पेंसिल से वापस से टैटू मशीन मिल रहे थे। तो ये पूरी सीरीज रहेगी जिसमें हम देखेंगे एलियंस टैटू स्कूल में मेरे 6 महीने कैसे बीते। आप देख रहे हैं मिस्टर कलाकार ब्लॉग, मुंबई डायरी चैप्टर 56। 41 बोले सर, 41 मेरा है। 41 इसी में सारे इक्विपमेंट्स रखे गए हैं जो भी टैटूइंग के हैं। हालांकि मुझे ओपन करना अलाउ नहीं है क्योंकि मुझे मिला नहीं है अभी तक, कुछ टाइम बाद मिलेगा, मे बी मंडे को मिलेगा मुझे। मेरे लोग को वर्क मिला है, बताते पूरा हाइजीन का ख्याल रखते हुए सारा काम चल रहा है यहाँ पर, प्रॉपर वेल मैनेज काम चल रहा है यहाँ पर। मतलब कि टैटू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइजीन का ध्यान रखना, वरना क्योंकि हम ब्लड और स्किन के साथ मतलब कि वर्क कर रहे हैं तो बिल्कुल डॉक्टर की तरह पूरा यहाँ पर ध्यान रखना होगा हमें। चलो अगर फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ काम गौतम बुद्धा पे, तो अब फटाफट से कम्प्लीट करता हूँ और पूरा कम्प्लीट होने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊँगा कैसा लगता है। ठीक है, लाल इतना बना है आज, बाकी पैकअप हो गया है। रात के बज रहे हैं 8:03, मिलते हैं कल, बाय। अरे वाह वाह वाह, ये दृश्य एकदम गाना के साथ एकदम रिकॉर्ड होता है भाई। नजर न लगे भैया, ओहो ये दृश्य देखने लायक एकदम। वाह वाह वाह, तड़के तड़के बारात लेके यहाँ आ तो नहीं जाएंगे यार सब, ना क्या करना चाहिए सोचने। दिस इज द रेफरेंस एंड दिस इज द वर्क। क्लोजर 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 एंड दिस इज द वर्क। मुझे ये सब सबमिट करना है, ये इजिप्ट वर्क एंड द थर्ड लेडी वर्क। तो बेसिकली हम लोग आज सर्कल बना रहे हैं और ये सर्कल बनाने के बाद हमें अब मिलेगा पोर्ट्रेट ऑन स्किन पैड लाइक बुद्धा, आई थिंक बुद्धा, हाँ हमें बुद्धा ही मिलेगा। और दिन बुद्धा बनाने के बाद फिर हम रियलिस्टिक वर्क पे जाएंगे धीरे धीरे। रियलिस्टिक मतलब कि जैसा मैंने आपको दिखाया था वीडियोज़ में लैंड टर्टल्स वगैरह, उस टाइप का हम टेक्सचर वर्क करेंगे। दिन करने के बाद हम एडवांस लेवल जाएंगे। असिस्टेंट फ्रॉम तमिलनाडु चेन्नई। सो बेसिकली कहने मतलब एक चीज़ है कि अब हमारे जल्दी ही एडवांस वर्क स्टार्ट होने वाले हैं एंड देन हमें सिखाए जाएंगे हाउ टू डू बिजनेस, बिजनेस कैसे रन करना है हमें अपना, अगर कंपनी का स्टूडियो ओपन करते हैं हम
तो कैसे इसको रन करना है एंड ऑन एंड ऑन. तो आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत ज़्यादा मैं कोर टीम बना रहा हूँ. इससे मतलब कि मैं वाराणसी आने के बाद उन टीम को अपने पास उनको मैं गाइड करूँगा, सिखाऊँगा और शायद एज अ मेम्बर साथ में हम काम करेंगे. और आई विश कि मैं बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करूँ और जहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट दूँ जहाँ पे अपनी आर्टिस्टिक को क्रिएटिविटी को दिखा पाए. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. ये मेरा टाइगर छोटू सा है. मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे खिलाना. जब भी मैं आता हूँ शाम को तो बैठ ही रहती बिल्कुल और मैं इसके साथ कुछ टाइम बैठता हूँ लगभग 5-10 मिनट. मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो ये लेक्चर था न्यू ट्रेडिशनल का जो कि हास्ता सा गौरा था. ये बेसिकली डिजाइन रहा. यहाँ पर 9 मैग्नम और 15 मैग्नम राउंड शेडर 5 आरएल ये सारे नीडल यूज होंगे. तो डिजाइन सही रहा. फाइनली ये बन गया है ये न्यू ट्रेडिशनल टैटू जो कि हानिया मास्क का था. इसको करने में लगभग मुझे 4 घंटे लगे थे. और मुंबई का लोकल ट्रेन अमेजिंग एक्सपीरियंस अमेजिंग. ओहो धन्यवाद. अभी हम लोग का क्लास चल रहा है हाउ टू डू टेक्सचर शेडिंग. तो ये मैं बैठा हूँ वॉशरूम में जो कि ट्रेन का है. अनफॉर्चुनेटली भीड़ इतनी थी कि मुझे यहाँ बैठना पड़ा और यहाँ बैठकर घर आना पड़ा. अब धीरे धीरे हम हाइपरलिज्म तरफ बढ़ रहे हैं. सर क्लास ले रहे हैं बच्चे देख रहे हैं. तो ये हमने आज स्क्रीन पैड पे किया है और आज आखिरी दिन है हमारा 2023 का. कुछ कहना है आशीष तुमको? मैं सबमिट कर रहा हूँ. यस सर. तो आज हमारा 2023 का आखिरी दिन था एलियन स्टेटस स्कूल में और अगले ही दिन से 2024 के नए दिन शुरू होने वाले थे और हम सीखने वाले थे रियलिज्म टैटू. तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए सफर के साथ. मैं हूं कलाकार और आप देख रहे हैं मेरी कहानी.